गोपालगंज के हथुआ में जमीन पर तेजी से अतिक्रमण किया जा रहा है। हथुआ राज की जमीनों पर सीलिंग का मामला डीएम के कोर्ट में वर्षों से लंबित है। इस बीच हथुआ बाजार और उसके आसपास अवैध रूप से सैकड़ों दुकानें बना ली गईं। हालांकि इन जमीनों की निगरानी की जिम्मेदारी हथुआ सीओ व हथुआ थाना अध्यक्ष के जिम्मे है, इसके बावजूद इसका तेजी से अतिक्रमण किया जा रहा है। संस्कृत महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य नागेंद्र पांडे ने बताया कि हथुआ राज की सभी जमीनों पर स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से अतिक्रमण किया जा रहा है। रात दिन मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि सभी जमीन पर सीलिंग का मुकदमा चल रहा है। हथुआ राज के सारे जमीन पर डीएम साहब के कोर्ट में सीलिंग का केस चल रहा है। इसके बावजूद हथुआ राज द्वारा जमीन बिक्री किया जा रहा है धड़ल्ले से, और इसके लिए हम लोगों ने प्रशासन से मांग भी किया है, डीएम साहब से भी मांग किया है इसको रोकने के लिए। हथुआ नगर पंचायत भी हो गया है, जिसके बाद घर बनाने के लिए भी नक्शा की ज़रूरत है, लेकिन ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। नक्शा के बावजूद ये लोग घर बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं। जबकि हथुआ के सारे जमीन पर यहाँ के पदाधिकारियों की मिली भगत से कहें या क्या कहें, हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, चूँकि हम महाविद्यालय के काम के ही बारे में कुछ बोल सकते हैं। यहाँ के जमीनों पर लगातार अतिक्रमण करके, जबकि सीलिंग में यहाँ का सारे जमीन पर मुकदमा चल रहा है, उसके बावजूद दिनों रात यहाँ पर मकान दुकान बन रहा है, प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से स्थानीय प्रशासन को यह कहना चाहता हूँ कि हमारे महाविद्यालय के नाम से जो दर्ज जमीन है, उसको अतिक्रमण मुक्त कराकर महाविद्यालय को सौंप दिया जाए। यूँ नहीं कह सकते हैं कि सरकारी ज़मीन पे, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि कुछ ऐसी ज़मीन है जो विवादास्पद है, और जो अभी जिस पर भी सीलिंग केस चल रहा है, उन ज़मीनों पे हमें सूचना मिली है कि कुछ लोग मकान बना रहे हैं। तो दो कारणों से उन चीज़ों को रोका जाएगा। पहला, यदि सीलिंग के लैंड पे बना रहे हैं तो उसको रोका जाएगा। दूसरा, चूँकि वो नगर पंचायत बन चुका है तो बिना नक्शा पास कराए मकान बनाना अनुचित है। इस आलोक में मैं सीओ, एसएचओ और वहाँ के नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी, उनको मैं अभी पत्र देता हूँ और उस पर अगर कार्रवाई करता हूँ।